ऐसे तमाम ऐसे हमारे दोस्त हैं जो कि आए हैं, जो कि नहीं भी आए हैं। ये मेडिकल कैंप एक ऐसा कैंप है जिसमें दो शक्तियां मेडिकल वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे बड़ी मेडिकल कैंप करने वाली आरके एचआईवी एड्स स्वास्थ्य केयर सेंटर का सपोर्ट जब बीजेपी के पदाधिकारियों का मिला तो मुझे लगा कि मलाड के मलोनी के सारे वासियों को हम स्वस्थ करके छोड़ेंगे। यहाँ के वासियों को एक बड़े रूप में मेडिकल कैंप का तोहफा देना और स्वस्थ भारत में स्वस्थ जिंदगी देना एक आरके एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर का ये था। इसके पहले अभी हम लोगों ने सूरत में सरदार पटेल के बर्थडे पे लाखों की तादाद में पेशेंट देकर के, करोड़ों की तादाद में मेडिसिन देकर के, वहाँ भी स्वच्छता का हम लोगों ने बहुत बड़ा अभियान चलाया और 1,58,000 पेशेंट ने पार्टिसिपेट करके करोड़ों का मेडिसिन का बेन। पिछले साल एमएमआरडी ग्राउंड बीकेसी में एक दिन में लाखों की तादाद में पेशेंट देख करके हमारे महाराष्ट्र के छात्रपति शिवाजी को बहुत बड़ा ट्रिब्यूट देने में आरके एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर की टीम ने बहुत बड़ा हासिल किया और जिसमें कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम स्थापित किया। हमारे सूरत की टीम ने 2 अक्टूबर 2016 को एक दिन में 2 लाख से ज्यादा पेशेंट देख करके गुजरात के हिस्ट्री में एक स्वच्छता की तरफ आगे कदम बढ़ाते हुए वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड यह किया, जिसमें कि मॉरिशस के हेल्थ मिनिस्टर चल करके आए थे ये प्रोग्राम देखने के लिए कि इस तरह की कैसे मैनेज की जाती है। 2 लाख से ज्यादा पेशेंट देखने में हम लोगों ने ये किया, करोड़ों की मेडिसिन बांट करके। तो ये आरके एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर का एक नारा है, आरके एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर का एक ही नारा, स्वस्थ भारत स्वस्थ देश स्वस्थ जनमन हो हमारा। और इस सिलसिले को हम वर्ल्ड हिस्ट्री में तकरीबन 5 सालों से वर्ल्ड में सबसे बड़े मेडिकल कैंप करने का एक अधिकार प्राप्त किया हुए हैं एंड स्वस्थ भारत बना के छोड़ेंगे। और आरके ट्रस्ट की तरफ से आरके एचआईवी एड्स एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टर धर्मेंद्र जी और यहाँ पर आए हुए इतनी बड़ी तादाद में मालोनी ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर मुंबई और अगर मैं कहूँ कि पूरे मुंबई भर से आए हुए सभी आरोग्य शिविर में अपना चेकअप कराने वाले भाइयों बहनों बुजुर्गों दोस्तों और डॉक्टर धर्मेंद्र जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि शाम होते होते लगभग 1.5 से 2 लाख लोग यहाँ से स्वास्थ्य का लाभ उठा करके जाएंगे। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप परेशान ना हो, आप सबका आँख का चेकअप होगा। इस योजना के अंतर्गत हमारे माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी यहाँ पर आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस मेडिकल मंच पे आए, एडवोकेट आशीष सेलार जी, ज्यांचा विशेष सहयोग आहे हा मेडिकल कॅम्प सक्सेस करण्यामध्ये आणि त्यांच्या बरोबर जोडीने आम्ही हा कार्यक्रम केला असे त्याचे अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र जी
हैदरभाई आर्यू सिंह जयप्रकाश मिश्राजी योगेश वर्मा गुप्ताजी माथी आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब या ठिकाणी मुद्दा म्हणून उपस्थित असलेले मुंबई भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आशिषजी शेलार आपले शिक्षण मंत्री विनोदजी तावडे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति में आयोजित इस महाआरोग्य शिविर पाटील दानवे आमचे सहकारी विनोदजी तावडे आशिषजी शेलार उत्तर मुंबईचे लोकप्रिय खासदार गोपाळजी शेट्टी विशेषत्वाने या ठिकाणी आलेले खासदार ओमप्रकाशजी यादव भाई गिरकरजी योगेश सागरजी मनीषाताई चौधरी प्रसाद लाड प्रवीण दरेकर सुनीलजी कर्जतकर श्री डॉक्टर राजेंद्र ॲडव्होकेट जे पी मिश्रा डॉक्टर श्याम अग्रवाल श्री श्री महाशिबिराचे आयोजक आणि आर के सोसायटीचे डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार या ठिकाणी उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचं उत्तर मुंबई त्याचप्रमाणे हा मालाडच्या या सगळ्या भागातल्या कार्यकर्त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो की एक अतिशय चांगला असा हा मेगा कॅम्प महाआरोग्य शिबिर या ठिकाणी आयोजित झालं. मी विशेषत्वाने या ठिकाणी आलेले जे सगळे डॉक्टर्स आहेत त्या डॉक्टर्सचं देखील मनपूर्वक अभिनंदन करतो की त्या सर्व डॉक्टर्सनी आपला वेळ या महाआरोग्य शिबिराकरता दिला. धर्मेंद्र कुमार जी आपका भी बहुत बहुत मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ. पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जिन्होंने केवल एक ही मंत्र दिया अंत्योदय का. अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ जो व्यक्ति है जो पीड़ित है जो शोषित है जो दलित है जो गरीब है ऐसे अंतिम छोर पर बैठे हुए अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक हम संपन्नता की ओर नहीं जा सकते और अपने आप को विकसित नहीं कह सकते. और इसलिए उन्होंने मंत्र दिया अंत्योदय का कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को सामने की पंक्ति तक हम लाए सभी सेवाएं उस तक ले जाए. और पंडित दीनदयाल जी कहते थे कि राजनीति जो है ये केवल सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक उपकरण है और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए राजनीति का उपयोग होना चाहिए. समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की धारा को ले जाने के लिए राजनीति का उपयोग होना चाहिए. और उन्होंने राजनीति से ज़्यादा समाज नीति पर जोर दिया था, लोगों की सेवा पर जोर दिया था. सत्ता नहीं सेवा ये हमारा मूल मंत्र है, ये पंडित दीनदयाल जी कहते थे. और आज उन्हीं के याद में यहाँ पर ये जो महाशिविर हो रहा है मैं ऐसा मानता हूँ कि उनके विचारों पर आधारित इस प्रकार का कार्यक्रम है जहाँ पर सत्ता की नहीं तो सेवा की राजनीति चल रही है और गरीबों तक हम लोग आरोग्य की सेवा ले जाने का प्रयास इस माध्यम से कर रहे हैं. सबसे अच्छी बात यह है हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐसा कोई भी चिकित्सा का कोई भी विचार कोई भी आधार यहाँ पर शेष नहीं है. सारी चिकित्सा की विधाओं को यहाँ पर लोगों के लिए लाया गया है और जिसने भी अलग अलग प्रकार की आवश्यकता है चिकित्सा पद्धति की लोगों के लिए है वो सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सारे अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, दवाई यहाँ पर है. जो दवाई भी जी दी जा रही है वो भी बहुत अच्छी ब्रांडेड और प्रमाणित इस प्रकार की दवाई यहाँ पर दी जा रही है. और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई वन डे अफेयर नहीं है कि सुबह से शाम तक कैंप कर लिया, जो आए उनको देख लिया
और फिर उनको उनके हाल पर छोड़ दिया, तो इसके बाद लगातार फॉलोअप चलता रहेगा और जब तक यहाँ पर आए हुए अंतिम व्यक्ति को पूर्ण स्वास्थ्य लाभ नहीं होता तब तक ये महाआरोग्य शिविर चलता रहेगा। ये मुझे लगता है इसकी एक बहुत, जिसको कहते हैं, एक अलग प्रकार की का इसका विचार है। और मैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से विनोद जी, धर्मेंद्र जी, आपको कहना चाहता हूँ, इन शिविरों के माध्यम से कई लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है और लोगों तक पहुँचने का प्रयास किया है। साथ ही में हमारे सीएम ऑफिस में भी हम लोग एक आरोग्य कक्ष चलाते हैं, जिसके माध्यम से जिन गरीबों के पास ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं है, उनके लिए सरकार की ओर से हम सीएम रिलीफ फंड से मदद करते हैं। सरकार की ओर से महात्मा फुले जनारोग्य योजना हम चला रहे हैं, जिसके माध्यम से गरीबों को हम मुफ्त में उपचार देते हैं। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि यहाँ पर आपको ऐसा कोई पेशेंट नजर आए कि जिसको सर्जरी की आवश्यकता है, उसके लिए व्यवस्था की आवश्यकता है, उसके लिए पैसे की आवश्यकता है, आप हमको बताइए, हम सीएम फंड में से उनको मदद करेंगे। और ऐसे सारे जितने पेशेंट हैं, इनकी कितनी भी दुर्धर, कितनी भी महंगी चिकित्सा हो, कितनी भी महंगी इनकी सर्जरी हो, वो सर्जरी मुफ्त में राज्य सरकार की ओर से की जाएगी, क्योंकि गरीबों तक पहुंचना यही हमारा अंतिम लक्ष्य है।